मेरा नाम है मनिंदर सिंह सैनी तो मैं है उत्थे एज दे स्टोर पैपे जीन दे विच एज दे स्टोर मैनेजर हाँ उत्थे ना साडे होया मतलब लगा लो तुसी एक दिन मतलब मैं तू जिदा हूँ स्टाफ दी आपस जो जिदा हूँ नाल नाल स्टोर शोरूम है सारे उत्थे दे दूए स्टोर वाला मुंडा आया हुण जिदे दूसरे स्टोर वाला मुंडा उत्थे अपने काउंटर ते बैठा था ते हुण जिदा उहदा मैनेजर है नहीं तां उत्थे उह कहिंदा यार भाई मेरी मेरा स्टोर मैनेजर जिहड़े है नहीं मैं कल्ला है काउंटर ते बैठा भी कैश भी पिया हों भी तू इस टाइम भी तू गले हथ ना पा इत हथ पुली जी भरी जाता तू है भी बाद आ जी भी चाहे उधर बैठ के गल कर लेंदे आ जा बाहर खड़ जाते उन्होंने अन्ने कहता कहता लै ला तेरा मैनेजर कितने ज़्यादा ही आओ क्या हो गया क्या हो जूगा कि पैसा होंगे कहता मैं दे दूंगा अपनी जेब से वो कहता यार नहीं इदा नहीं हों मैं तो नौकरी करनी हो रही यार भी ते तू दे दूंगा मैं नहीं ना दे सकता कल न उसके बाद अन्नी गल हुई कहता तू बाहर चल कोई ना तू बाहर आ जा फिर तेन बाहर दसूंगा उन्होंने फिर कहता कहता उल्टा उन्होंने कहता मुंडे जिन्हें बेचारे ने किया भी हाँ भी तू चल बाहर आके बाहर खड़ के गल कर लू उन्होंने कहता कहता भी हाँ हाँ तू उधरले दूसरे मेरे स्टोर च आके दिखाई कहता फिर मैं तेनों दसूंगा भी मेरे स्टोर च आके खड़ के दिखाई वो कहता यार मैं नहीं आऊँगा कोई ना भी तू हूँ चल जा फिर उन्होंने उदा उंगला उंगला करता करके कहता कोई ना मैं तेन दसदा फिर क्या होंगे भी किदा तू मेरे स्टोर च आऊँगा मैं किदा तेरे स्टोर च आके दिखाऊंगा तो उत्ते दूए दिन वो चार पाँच मुंडे नाल अपने लिया नकाश पोश है सके मूँह बन्ने हुए सके तो आप भी नाल अंदर बढ़िया हूँ अंदर दे घड़ीस के कुट के मार के वो किट चे सिर च भी आ लोहे की राड़ नाल बजी सट बट तो इतने मूँह तो स्क्रैच टांके टूंके लगे हुए टांके वैसे इन्होंने लाए नहीं है वो चलो हूँ रब जाने इन्होंने नहीं लाए या जो भी होंगी मिली कुटी तुम्हें भी पता ही है जो उपर तो जिन्हें छाया जाती है वो फिर गरीब बंद कोई कुछ नहीं पूछता किसी का भी इलाज नहीं हो रहा कार्रवाई नहीं हो रही क्या इलाज हो ही नहीं रहा जी उन्होंने कुछ मैं सवेरे खुद उरे आके मैं कि मुंडा उरे मैं ना वह एक्सरे वगैरह होया ना कुछ होर हो रहा जो वो फाइल कितने मैंने फाइल ही दे दो जे तुसीं नहीं करा सकते असीं बाहरों करा लेंगे कहिंदे तूं दी फाइल तो जी जमा हुई भी उन्होंने कोल होनी है उन्होंने कोल परची होनी है वो उत्थे जाके एक्सट्रा करावे अपना है वो अपना उत्थे जिहड़ा कैश काउंटर को भी जिहड़ा भी हुंदा भी उत्थे अपनी फीस जमा करा के उत्थे अपना एक्सट्रा करा लवे उहदे बाद कहिंदा भी हाँ भी पुलिस वाले जिन्होंने पुलिस वाले की कार्रवाई आ वो पुलिस वालों ने आप ही करनी आ वह जदों मर्जी आके आ करन ना करन फिलहाल कुछ नहीं आया जी मैं हूँ चलो कैब किसी का ना नहीं लेंदा निजी तौर पर सिटी टाने मैं तीन चार बारी पांच बारी फोन कर ले तो अपनी मौदर बंद भी फोन करा ले सिटी थाने वाले कहते साडे कोल जद उत्थे इन्हां दा कुछ हुंदा है फॉर्मल क्या हुंदा भी कट के दे करदे आ एमरजेंसी वाले दे करदे साडे कोल परसों दा जां कुछ नहीं आया ना परसों दा आया ना हुण तक दा आया असीं किद्दां बयान लेना जी मुंडे दे की होया सारी गल साडा जी बिशपजीत मुंडा है मेरा बेटा उन्हों उ काम पर बाहर कड़ी सके कुटिया है हाँ जी मेरी कोई हल होना चाहिए पुलिस भी साड़ी कोई कार्रवाई नहीं करती की कहते पुलिस बयान बोले बयान जी ले भी जी अगे आए नहीं है सर मेरा नाम ना विश्वजीत सिंह है मैं रोपड़ सिटी सेंटर नमैरो के स्टोर पर काम करता है शाम को 8:30 बजे मैं अपना स्टोर की क्लोजिंग कर रहा था कैश फोन कर रहा है मेरे नाल दे स्टोर दे एक मुंडा काम करता है पवन कुमार वो मेरे स्टोर पर आता है तो कैश चक्कन की कोशिश करता है उन्हों इस हरकत से मैं उन्होंने रोकता है तो उन्होंने स्टोर तो बाहर भेजता है इसे चक वो मैं उन्होंने स्टोर तो बाहर भेजता है तो वह मैनू जो कुटने मारने की धमकी दे दिंदा है कि हाँ तू मैनू कहा क्यों उस तो बाद फिर जो मैं स्टोर क्लोज करके बाहर निकलता है वो सेम चीज़ रिपीट भी करता है और मेरे नाल लड़ता भी है तो जो मैं घर में जा रहा मैं ना फॉलोअप भी किया है मेरे मगरों मुंडे लेके भी आया है तो उस तो ठीक अगले दिन दोपहर में 2 बजे उन्हें मुंडे बुलाए है घट्टो घट होने 8 से 9 मुंडे होने हैं उन्होंने मैं स्टोर के अंदर वड़क है अंदर तो बाहर घड़ीसया है तो कुत्ते की तरह कुटे है तो मैं उ 2 दिन हो गए
कल दोपहर का मोहरा बैठा है 2 बजे तो बाद हूँ तक बैठा है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो कोई नहीं आया है मेरे को। नहीं सर कोई इलाज नहीं हो रहा, एक पैरासीटामोल की गोली मंगी सी वह भी नहीं मिली हैगी। सर मैं इंसाफ चाहिए, जो होया है गलत होया है, अरशरेआम धक्का होया है। इस तरह के साढ़े पास इनफॉर्मेशन होस्पिटल तो रिसीव हुई है कि एक लड़का जरा विश्वजीत जिदा नाम लड़ाई झगड़े कर एडमिट होया, मैं ए एस सी की ड्यूटी डिब्यूट कर दिता, वो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करके वो स्टेटमेंट और जो भी सूँ एविडेंस मिली कोई फुटेज वगैरह वो आधार पर कानून कार्रवाई की जाएगी।